ये सही है, अभी देखेंगे कैसा। मुझे पता ना फ्रेम सेट हो गया। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Hi, welcome to a story time video. Finally, this is the first video we're filming with Kumar after you guys know that we're dating. Welcome my boyfriend Kumar. But I think we have met couple of times on story at least. Stories pe haan, but YouTube pe nahi. And everyone's been wanting to meet you officially. So this is your chance. Mic bhi maine usi ko pehna ke rakha hai because normally mera volume bahut high hai like while filming videos. This is like a new thing for him. Generally he shot like I think 10-12 videos kare usne pehle. Mere 500 videos कितना फोकस में डाल, थोड़ा शाई फील होता है। Just 5 minutes ago, I told him the topic. I gave him both the options. कि मैं तुझे पहले बता दूँ कि वीडियो चालू होने के बाद बता, तो he is like पहले बता दे भाई, मुझे पता नहीं क्या बोलना है। So today we are going to tell them how we met and how did we start dating. Like yeah, and I think she should have given me more time. कि देख कल अपन ये वीडियो कर रहे हैं, आज सोच के क्या बोलना है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट पहले आके बोल रहे कुमार ये वीडियो करना है हमें स्टोरी टाइम पे, ऐसा कौन बोलता है भाई। He doesn't know what he's going to say. So I've just told him कि मैं मेरा वर्जन सुनाऊंगी, तू तेरा वर्जन सुना दे। You want to go first or you want me to go first? See, I think you will have to go first because फिर मेरे को फ्लैशबैक आएगा कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था क्या। ठीक है, तो I'll take the mic. क्योंकि मैडम ना 1-2 महीने से प्रिपरेशन करके रखी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है, मैं तो तेरी वेट कर रही हूँ कि तू कब आएगा। और हमको तो कैसे ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस मांगा जा रहा है। चलो बट नेवर्थलेस जो भी वो बोलेगी उसका 50% रिड्यूस कर लेना। कोई प्रिपरेशन नहीं कर यार, तू झूठ क्यों बोलता है यार। झूठ मतलब तेरे दिमाग में तो थॉट्स कब से चल रहे हैं ना, 2-3 महीने से। तो तू नहीं था क्या जब मैं देखो मिली था? हां तो तेरे पास माइंड में थॉट्स तो रेडी रहेंगे ना, ये बोलना वो बोलना, इतना उनको सच बताना है। See, I am not the one who said that, so you know whom to hold accountable. As a don't consider everything true on social media. It's a lesson I'm giving. Kumar, तू आ क्यों रहा social media पे? क्योंकि बुलाया जा रहा है, मुझे कोई शौक नहीं आने का। Ignore. This is why sometimes I just get irritated. क्योंकि वो मेरी इतनी खींचता है और कभी कभी तो कुछ भी बोल देता है मेरे बारे में जो सच नहीं है। नहीं नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो lines में सच रहता है, but exaggerated हो जाता है कभी कभी. For example, अभी जो story line बोलने वाली है ना ये, after she says her story line, I will correct few things. चलो पहले से बताता हूँ ये चीज, but now I will have to correct less. तो exaggeration कम होगी. Otherwise तुमको तो पता ही है. Bye everyone. उसमें क्या exaggerated है? तो अच्छे से भी बोल सकते हैं, चलो bye bye, take care. हो गया. तेरा version है, मैं real life में ऐसे ही bye बोलती हूँ. अच्छा हाँ, bye बोलने के लिए घर से जाना पड़ता है, जाती किधर है? ऐसे ऐसे होता है बॉयफ्रेंड्स, एटलीस्ट मेरा वाला तो ऐसा ही है। तो पूरा टाइम वो मेरे लेते रहता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन वी मेट ही वाज 16 एंड आई वाज 15, क्योंकि हम जून में मिले थे। एक्चुअली इट्स सेम है, बर्थडे का गैप। हां इट्स सेम है, ये जनवरी बॉर्न है, मैं जून बॉर्न हूं, पर ईयर दोनों का 1998 है। 1100 हां 11th में मिले थे हम। सो व्हेन वी मेट एट ट्यूशन क्लासेस फॉर, हमने किस चीज की ट्यूशन लगाई थी? हमने बीकॉम की ट्यूशन ली थी। आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज एफआई। हां एफआई, अरे हां बीकॉम तो बाद में आता है। हमने एफआई क्लासेस किया ही नहीं था अपन ने, फाइनल ईयर मैंने सिखाया था, स्टार्टिंग किया तूने सिखाया था। तो फॉर स्कूल ही वाज इन एसवीआईएस एंड आई वाज इन डीएसआर। एसवीआईएस का फुल फॉर्म इज स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल। कुछ तो बोलो वीडियो में तो आएगा ही नहीं। एसवीआईएस इज स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड शी इज फ्रॉम डीएसआर। हां डीएसआर का फुल फॉर्म पता है? नहीं वो तो बोलना तेरा स्कूल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय। तो टेक्निकली हम 10th में भी सेम ही क्लासेस में थे एंड एक्चुअली उसके ही स्कूल के कुछ लोग थे मेरे 10th स्टैंडर्ड के बैच में, बिकॉज़ आई न्यू अ फ्यू फ्रेंड्स, ना याद है मैंने नाम भी लिया था, बट ही वाज नॉट इन माय क्लास। बट देन इन 11th वी एंडेड अप इन द सेम क्लास। हमने FYJC के लिए क्लासेस करे, व्हिच आई फील अ लिटिल अशेम्ड अबाउट कि हमने FY के लिए क्यों क्लासेस करे थे। नो आई थिंक यू शुड बी अशेम्ड ऑफ, बिकॉज़ हम तो आते ही नहीं थे क्लास, तुम बैठते थे। रहने दे। सो व्हेन आई जॉइंड फॉर द फर्स्ट 2-3 days, I think I only made a couple friends, that too they were girls. He stood out as the person who was the most mischievous and who had an iPhone. I don't think anybody else in our class had an iPhone. He had an iPhone 5S. He was very popular for having it and he used to put a blue phone cover on it. So for me, he was the guy who is extremely naughty and has a blue iPhone. That was my first impression of you. Yeah, but actually, इतना मस्तीकर था नहीं। Then every single class, teachers would like make him stand up. He would create a ruckus with his guy group. इसके घर पे इतनी बार फोन किया है, I've seen his mom come to meet the head of that classes so many times. And ये शाना वो लैंडलाइन का फोन नंबर देता था क्योंकि वो कोई उठाता भी नहीं था। Lot of families in India has this tradition कि एक mischievous naughty लड़का है और उसके parents एकदम super strict. ऐसा मेरे को consider मत करना।
क्योंकि मैं ऐसा नहीं था टोटली, इससे ज्यादा मार्क्स आए थे मेरे को, आई गॉट 93.80% ऑन इन स्टैंडर्ड 10 एंड आई थिंक शी गॉट अराउंड 92, 91.2. सो डोंट कंसिडर मी दैट ओनली मस्ती करने वाला लड़का. हाँ थोड़ा इतना भी मैं गंदा नहीं था, गया गुजरा नहीं था, बोला तो एग्जैजरेट करेगी ये, थोड़ा रिड्यूस कर देना. तो इट्स लाइक 11 12th में इतना स्टडीज का लोड नहीं रहता था, तो वी वर इनटू मोर फन एंड यू नो स्पोर्ट्स एंड गेट टुगेदर्स एंड ऑल, वो ट्रेडिशन था. सो वी वर इनटू दैट एंड शी हैड द हैंगओवर ऑफ दैट स्टडीज ओनली, तो शी बिलोंग टू दैट नर्ड कैटेगरी. बड़ा सा चश्मा, 24/7 बुक में, इवन रिसेस शी वाज इनटू द बुक. सो शी गॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज व्हिच इज वेरी रिनाउंड इन मुंबई एंड इज इन टॉप 3, इतना बता देते हैं, नाम नहीं बता सकते. व्हाट इज रिनाउंड फॉर इज द अटेंडेंस, दैट कॉलेज हैज द स्ट्रिक्टेस्ट अटेंडेंस. सो आई यूज्ड टू टीज हर 24/7 कि तू स्कूल से निकल के भी स्कूल में ही गई है बेटा, ऐसा बोल के हम चिढ़ाते थे. एंड आई यूज्ड टू बी इन अ कॉलेज वेयर इन देयर इज नो अटेंडेंस प्रॉब्लम एंड एकदम चिल्ड एनवायरनमेंट है फुल, कि भाई जब भी कॉलेज में आना है जाओ, कितनी बार तो लेक्चर चालू है बीच में से हम निकल जाते थे. इट वॉज दिस चिल्ड एनवायरनमेंट. तो देयर वर टू डिफरेंट ज़ोन्स, वन इज लाइक द नर्ड ज़ोन एंड सेकंड इज लाइक अ फुल टीपी ज़ोन. सो इट वॉज लाइक दैट. नाउ बट फॉर अ स्टडीज थिंग आई वॉन्ट टू पॉइंट के 10th में तो ही डिड रियली वेल, 12th के मार्क्स की बात करें तो. सो 12th का मार्क्स के पीछे स्टोरी एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिंपल. क्रोनोलॉजी में जाते हैं, वी कम टू 12th. बट कमिंग टू हाउ वी लाइक बिकेम फ्रेंड्स और लाइक फ्रेंड्स तो छोड़, फ्रेंड्स को इट टुक अस 2 इयर्स टू बिकम फ्रेंड्स. वन ईयर तो इट टुक. आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड फ्रॉम हर एंड फ्रस्ट्रेटेड बाय हर टॉक्स एक्चुअली, बट आई एम यूजिंग पास्ट टेंस ओवर हियर बिकॉज वीडियो के बांधने मेरी वाट लग जाएगी इफ आई यूज अ प्रेजेंट टेंस. सो आई थिंक नो डू आई लुक इरिटेटेड. Yeah, so for me, I did not find him to be कैसे बोलूँ like negative इंसान नहीं लगा था मुझे कि वो ये सब मस्ती हो रहा है, but I just found him to be very different from a person I would connect to or relate to because I used to be teacher's pet school में सारा you know their favorite and good in studies and all. He used to be the teacher's pet for other things like you know class को शांत करने, like he was that sportsman leader category and मैं तो sportsman कोई स्कोप नहीं मेरा. आई जस्ट न्यू ही एग्जिस्टेड. देन वन डे आई हैड अ फाइट इन द क्लास. आई डिडंट हैव द गट्स टू लाइक स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. सो आफ्टर द फाइट व्हिच एवरीबॉडी सॉ, आई जस्ट वेंट इनटू अ कॉर्नर एंड आई स्टार्ट क्राइंग. एंड दैट्स व्हेन ही केम टू मी एंड ही वाज जस्ट लाइक इट्स ओके, नथिंग हैज हैपेंड, यू कैन कम आउट एंड चिल विद अस. सो एट दैट टाइम ही मेड आई थिंक 3-4 न्यू फ्रेंड्स नॉट जस्ट फ्रॉम हिज स्कूल. मुझे ऐसा लग रहा है ही कैन करेक्ट मी व्हेनेवर. ही इनवाइटेड मी टू जस्ट मीट एवरीवन एंड दैट्स how we made a friend group. Like that was the first time I ever spoke to him and he spoke to me. After that day, we became a group of 6 people, 3 boys and 3 girls, and we remained friends for I think 2-3 years. Yes. So like that was the starting point of our friendship and we came to know about each other slightly more than before. So after we became super close and started dating, tab maine usko pucha ki why did you come to me? Like why did you come and say that to me when nobody else in class was there? That's when he said ki it's not because it was you, agar aur bhi koi hota ladka ho ya ladki, it was just in his natural nature to go and help someone out if anyone is going through something like this. I want to clarify that ke at that time he didn't have feelings for me or he wasn't attracted to me. No, but actually one of the main reasons was also there because I have been at that place where she was. You know, it's very difficult for a person to have that peer pressure of friends or something which generally a lot of people face, but you know they are not able to stand up for it. So once I had faced that issue, I took a stand ki if I am seeing someone who is suffering from this or is a victim of this, it's you know a responsibility of a person to help that person out at least within that time zone. It's like agar break suppose 15-20 minutes ka, to you can go and talk to that person and make that person feel comfortable that okay, chill, you are not alone in this world, we are there with you. And just like you know, you don't have to go do a million things, just talking for you know couple of minutes with that person will also do a great job. Yeah, because the fight was so major that person had abused me and had thrown my phone and I still didn't stand up for myself. I don't know for what reason, so it was quite big, but still nobody came. Yeah, we do stand up against someone if someone is bullying or you know anyone, if we see someone is bullying or you know someone is intentionally putting negative pressure or something like that on someone, you know, forming a group and targeting one person, and you know that's a totally different topic from this. So we will just leave just that. But just cutting it short, if you see anyone getting bullied or having a fight like this, just go and help them out because this is how we met. So that was the starting point of our friendship actually. We never knew that
it will be the starting point, to be frank. Very true. Then the friends group, once the group happened, main phir bhi open up nahi ho rahi thi because I didn't have many friends through school like that. So I didn't know what it is like to open up to people and to actually be yourself. So first, I would say 3 to 6 months to main zyada bolti hi nahi thi. I would just be there. If they'd go out, I'd go with them. And main thoda bahut masti karti thi. Main sehem ke nahi baithti thi, main masti karti thi. But I would not be myself, my talkative self. But once I started talking, this one would get so annoyed. He's like, "Tum kitna bakbak karti hai?" He would say that to my face. Ki mujhe irritate hota hai to itna mat bola kar. Yeah, so that's not that exaggerated. I would say it's 80% true to the statement. मतलब ऐसा रहता था कि suppose if we are going out group of people and अगर वो मेरे बाजू में बैठी है तो I used to have an expression कि भाई वापस बोलेंगे. हाँ. ऐसा होता था. एंड समटाइम्स तो इवन आई यूज टू फॉर्म अ स्ट्रैटेजी कि अगर 6-7 जन जा रहे हैं सो आई विल डू सम यू नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल पॉलिटिक्स एंड मैं वो रिक्शा में नहीं जाएंगे या तो वो कैब में नहीं जाएगा. ऐसा भी करता था. Now I'm worrying about what will happen after the video. Chal. When you say, ये मेरे को कैसे कैसे चढ़ाता है आज प्रेजेंट में पता है कि अच्छा ये लड़की को ना मेरे स्कूल में क्रश था, मैं उसके साथ स्टारबक्स में उसको स्टारबक्स ले जाऊंगा. अरे अगर ऐसा बोले तो गुस्सा आएगा ना. He doesn't do it. Like I just have to give you a bag in the face. He's not like someone who's he's never dated. Yeah, I'm his first girlfriend and last. This is the pressure which she is pressure trying to put on me indirectly. 6 साल से. So whenever she says a time run, I felt pressurized actually. Pressurized क्या है? तेरे को साथ पे नहीं रहना है. Again, now I felt pressurized. How did you go from getting annoyed to me to actually tolerating me is what I want to tell them next. I will just give you one line on this. Tolerating wale phase mein main kaise gaya was very difficult for me. Even I don't remember it clearly how I went from, you know, frustrating to tolerating actually. But I think we would have gone for a couple of walks or something, spent some time. That time maybe we came to know more about each other. And that is the time when I realized ki chal itni irritating bhi nahi hai. Kaam chal jayega. According to my picture, yeah. Now let's see what I she says. It walk wala hi hai, but I don't remember why. It was you who invited me ke walk pe jaate hai. So I don't remember tere dimag mein kya chal raha tha ki tune mere ko akele walk pe bulaya. So walks is a very normal thing within our friend group. Aisa nahi ki we were the only people meeting alone. A lot of people would meet alone for walks or scooty rides and stuff like that. So ye unusual nahi tha ki hamare group mein se koi do ya koi teen log aise hi time pass karne nikal jaye. Yes, yes. So I used to go for walks with a lot of friends and I even go now actually, but not with her. Because every time he's with me, he's too tired to walk. Main gym jaake aaya hu, mere pair dard kar rahe hain, main nahi jaunga. But uska agar bachpan ke friend ka call aayega na, niche hota na apan walk pe jaate. Ha main aata fir 1 ghanta walk karte hain. I don't think so. It's difficult for a girlfriend to understand that. I personally feel that maybe over time, like I think by the time we went for the walk, it had been 1.5 years. So over time, he must have understood that chale utti bhi irritating nahi hai. And he was a very emotionally closed person. Jo baatein mere ko walk pe isne share ki, I would have never guessed ki iski life mein aisa bhi kabhi hua hai because he was a very fun person. In simple words, what she's trying to say is she or many other people saw the funny and the loving side and basically not the emotional side. Yeah. When we go out for a walk somewhere alone, so wo time pe there was a different side of each one of us which we were able to share. I think from there friendship went towards best friends, I think. Yeah, it went very quickly from best friends to liking each other. And ha, ek phase mein bhool gaye ki there was a time where I liked him in that 1.5 years phase. I've told him this before also, and I told him to his face at that time ki I really like your eyes, but he yeah. मैंने तेरे को बोला था वो पुराने घर के हॉल में अपन सब थे I remember in front of everyone. I told him and he didn't get it, but yeah, nothing happened back then. And he was उसके बाद भी he was a little rude to me. तो no, basically if she says or you know if anyone says something like this, I don't generally get it, what's the underlying meaning of it. So whenever something like this happens, she takes care of it. And sent him flirty messages and I used to be like, this person is flirting with you, and he's like, अच्छा ये flirting में आता है, he's very innocent like that, उसको नहीं समझ में आता है. तो I tell him कि ये flirting है, and then I tell his mom also.
No, that's something different actually. वो परेशान करने के लिए रहता है. So you know, even if we friends meet or something like that, so there's this general phenomena कि मेरे को छोड़ के सब लोग एक ग्रुप में and मैं अलग ग्रुप में and फिर वो लोग मिलके मेरी लेंगे. तो then हम लोग इसको मिलके चिढ़ाते हैं उस लड़की के नाम से जो भी इसके साथ फ्लर्ट करी थी. तो yeah, anything like that. Yeah. तो anyway, it's coming back. So at that time it didn't work out and he didn't understand. So he was still taking मस्ती मस्ती में and वो काफी बार मजाक बहुत करता है. तो I found that rude and मेरे को ईगो चढ़ गया कि इस इंसान ये अभी भी मुझसे ऐसे बात कर रहा है तो अब तो मैं इसको भाव दूंगी नहीं. वॉज वॉट हैपेंड टू मी फॉर लाइक 6 months आफ्टर दैट एंड देन द वॉक्स थिंग स्टार्टेड एंड देन वी गॉट टू नो अबाउट ईच अदर एंड आई गॉट टू नो लॉट अबाउट हिम एंड आई थिंक ही हैड टोल्ड मी सम टाइम बिफोर ही फेल्ट कंफर्टेबल इन शेयरिंग थिंग्स विद मी. लाइक वो वाइज एस डी वाला नहीं है कि कुछ लोगों के साथ वक्त बिताते ही सब सही लगने लगता है. तो ही वॉज बाप रे बाप था ऐसा ही था. तो ही फाउंड इट वेरी कम्फर्टिंग टू टॉक एंड आई वुड ऑलवेज गिव हिम अ कोर्स ऑफ एक्शन कि नहीं तेरे को ये लाइक यू हैव टू ओवरकम दिस यू हैव टू डू दिस. देयर वाज वन थिंग ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट बट ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू परस्यू इट. उसमें भी आई वुड ऑलवेज बी सपोर्टिव टू हिम. तो लाइक इट वाज एन एक्सचेंज ऑफ सपोर्ट. इट वाज अ गिव एंड टेक बेसिकली. सो ड्यूरिंग द वॉक्स वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच वी बोथ आर फेसिंग इन इंडिविजुअल लाइव्स एंड वी यूज्ड टू यू नो सजेस्ट ईच अदर कि ओके इफ दिस इज अ प्रॉब्लम यू कैन डू दैट एंड if that doesn't work out then you can do another that par hum thakte nahi the kabhi baat karne se phone pe baat kar rahe the text pe to kitna baat kar rahe the and then there came one specific day I remember I was going to college as usual and I was sitting at home as usual. I think you gave me a call right after that. I gave him a call from Borivali station and I was like kya ho raha hai hamare beech. Like it was a very dramatic call. I was calling super worried ke dude what's going on, we're so close but there's nothing defined, like ho kya raha hai hamare beech. So I had called him with the intention to tell him ki I want a date. I myself did not know that but I was just very concerned ki I didn't want to be directionless. We were just getting closer and closer and closer but what next. Yeah, and you know the funny part in this story, so when she gave me a call around 12 or something, I clearly remember the time as well. I was like bhai abhi baat kar rahi hai and afternoon mein I have a sports plan. Wo sports plan cancel ho jayega. वो प्लान तो आई थिंक कैंसिल हो गया. बोलते हैं ना कुछ कुछ चीज़ों की नियति बनी है तो कैंसिल होना ही है. बट कमिंग सो या ओके बट कमिंग टू द मेन पॉइंट आई रिमेंबर दैट सिचुएशन. आई विल टेक इट फॉरवर्ड. सो आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मैडम. बहुत वगैरह वगैरह बातें एंड ऑल एंड मेरे को उतना समझ गया कि क्लेरिफिकेशन इज समथिंग विच शी वॉन्टेड टू एलिसिट ऑन फ्यू अनक्लियर थिंग्स गोइंग ऑन एंड आई एम लाइक ठीक है तू आ जा घर पे. घर पे कैसे है कि शांति से बात कर सकते हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कुछ नहीं. सो शी केम होम एंड वी क्लेरिफाइड थिंग्स एंड देन वी हैड एन अंडरस्टैंडिंग कि ओके वी डू लाइक ईच अदर एंड देन वी एक्सेप्टेड टू ईच अदर दैट ओके वी लाइक एंड फ्रॉम दैट फेज आई थिंक इट वेंट ऑन फ्रॉम बेस्ट फ्रेंड्स टू रिलेशनशिप. Agree. However, he was still not officially dating at that point. I don't remember ki apan ne conclude, so we had accepted that we both have feelings for each other and we don't want anybody else to come this close to us. Like that was the boundary we'd set. However, we had also agreed that we're not going to call this dating because we were super afraid that we'll lose each other. Like agar hum date kare aur agar breakup ho gaya to kya? Basically, you need to clarify this point. You know, there are different perspective to it where a lot of people have different, totally different opinions on. So our opinion was of this ki it's better to take things slow and not compromise on other things of the life. If it's career or friends or anything like that, you don't need to hurry up on things. Let's take it slow. So that's the reason we took the decision ki we don't need to term it as dating. We know that we like each other and we have feelings for each other. Let's stay that way. And this is a boundary where we won't allow anyone else to enter that boundary. That all those things and everything were clear, but we don't need to term it as that because there were many other things also going on in our life wherein we were taking important career decisions and all. So it's very important, you know, you don't need to focus just on career and just career, but you need to focus on a lot of things at the same time. You don't need to sacrifice career for one, or you don't need to sacrifice one thing for the career. An exam is going on, so you give you more time to that exams and less time to some other things. So things like that only which, you know, help us to become matured. And I think it's very key in becoming matured at an early stage that you understand basically kitna time chahiye ek aspect of your life. Focusing on
on her career and I'm focusing on my career. She's doing her thing and I'm doing my thing. Yeah. She's enjoying with her friends, I'm enjoying with my friends. So all the aspects of the life needs to be balanced. I feel you don't need to compromise on either the social life or the health. So this is what our understanding was and that is how we proceeded. So that's the reason, you know, हमारे families को भी पता चल गया था and हमने खुद ने भी बता दिया था. So it's like we had nothing to worry about. हमने बताया as a separate story time. हमने बहुत बाद में बताया. इसके घर पे तो point blank पता चल गया था. Yeah. So, but it's like how did your family know? अरे हमारे family is actually बहुत open minded है, so we are very happy in that aspect. So even if they came to know by themselves, it was a very sorted scene even then. But ऐसा कुछ था नहीं कि they came to know. They were teasing us even before we accepted to each other that we like. यार उतना understanding तो उनको भी. If a crush walks in front of you, then you how does it happens? तो वैसा thing family understand कि okay if Haley has come to my place, then you tend to behave. In this case, I tend to be a slightly different. So they come to know कि अच्छा ऐसा है बड़ा ऐसा करके. So things like that happened when I go to her place. Generally madam के घर पे खाना नहीं बनता है तो उस टाइम खाना बनाएगी, मेहनत करेगी कि अच्छा अच्छा ये करना वो करना. तब तो मैं कहाँ कुछ करती. You took care of it कि हाँ कि कैसे manage करके रखना है, क्या करना है. खाना बनाना मतलब क्या, थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं है. हाँ काम चल जाता है हफ्ते में दो दिन तो. तो सेम खाना खाएगा तो रोज भी चल सकता है. हाँ वही है. Anyway, geez, this was a warning actually to me. That was the day we wanted to be exclusive for each other. Like we did not want to feel this way for anyone else. So we were like very clear कि हम और किसी को इतना close नहीं आने देंगे and we do like each other. Yeah. But we decided to not tag it as dating. हम दोनों को clarity थी कि our careers are only going to get better because हम दोनों एक दूसरे को बहुत help कर पाते थे and our social life and also not, in fact he used to motivate me so much कि Haley go with your friends, have a social life, stop studying all the time. Like थोड़ा time निकाल. So we personally knew के our life was getting better with each other. However, dating का society में थोड़ा नाम खराब है कि dating के वजह से लोगों का focus छूट जाता है, ऐसा हो जाता है. So we did not want to worry our family कि ऐसा कुछ है, which is why we like. But yeah, our families were super cool. I don't think so. 1% problem भी हुआ. हाँ. At any of our houses. 100%. So after a few more months after this happened around 12th end during the CA entrance exam, he used to go for some classes जो रात को कुछ 10:30-11 खत्म होते थे. Then on his way back home, he would always call me and tab hum baat karte the 10-15 minute tak. It was a walking thing, so it was normal to walk and talk. Hmm. And then one day he just tells me, so jab yaad aaya, he just told me, it's not that funny actually, but theek hai bol. It is. He just told me on call ki maine meri miss ko bata diya ki tu meri girlfriend hai, and I was like, what, how can you do that? So basically what happened ki when I used to go for a tuition, so there was a couple of friend also with me, and you know the professor was like a friend actually, not yeah. even a professor. So yeah. thoda about teasing चालू ही रहता था. सो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है चल डेट कर रहे हैं. सो ऐसा बोल दिया. एंड देन व्हाइल गोइंग बैक होम आई रियलाइज्ड कि अच्छा ऐसा बोल दिया था, ठीक है बोल दिया तो बताना तो पड़ेगा. तो फिर फोन पे मैंने बता दिया. चल ऐसा कैजुअल एटीट्यूड नहीं था, तो एक्साइटेडली मैं वो फोन पे बोला था कि मैंने इसको बताया. सो व्हाट हैपेंड फॉर दैट आल्सो कि व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो फॉर वॉक ड्यूरिंग दैट फेज आल्सो, हमको प्रोफेसर भी मिले एंड दे यूज्ड टू से अच्छा कुमार इन अ फ्रेंड्स वे, हाउ दे से ऑलरेडी वो चालू ही था फेस, इसलिए वो चीज से ट्रांसफर होके इवेंचुअली इनको बता दिया. वो क्लासेस में भी चढ़ाते ना, because we were at the same class for 5 or 4 years, because SYJC हम दोनों commerce background से वाले हुए, so that's how we were in the same class. So first year second year भी उधर ही था, और हमारा CA, हम दोनों CA pursue कर रहे थे, कर रहे थे. So CA entrance and CA का second level तक हम दोनों same classes में ही थे. So even the professors would tease us. एक professor को तो हमारा bond देख के लगा था कि आप दोनों भाई बहनों का, आप दोनों एक दूसरे को इतना कैसे समझते हो, and I'm like यार भाई बहन तो नहीं है, but हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. Yes, that has happened before as well. Yeah. Multiple times. We would really be able to understand each other. Like coming back, so that day I was like, no, तुमने ऐसे कैसे कर दिया? एक जन को बता दे, सबको पता चल जाएगा. नहीं. तो ऐसा नहीं कि हम लोग डेट कर रहे थे पर हम छुपा रहे थे दुनिया से. हमने बस डिसाइड किया था कि हम उसको डेटिंग नहीं बोलेंगे, हम एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोलेंगे, ऑल्सो टू अवॉइड प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स. सो आई पैनिक्ड कि नो वी कांट डू दिस. सो वी अग्री कि ठीक है, लाइक वी वोंट टेल एनीवन अगेन लाइक दिस. देन अ फ्यू मंथ्स, आई वुड से 3 to 4 months आफ्टर दिस इंसिडेंट, आई really wanted to tell everyone ki main isko date kar rahi hu, and at that time he was in the fear spot ki nahi Haley, remember what we've decided ki hum nahi karenge. So then he disagreed, and then for I think a year or a
year and a half after that we dating ka prayog nahi hua hamare beech mein shabd ka. Then we both did a very fun forum and after that we understood how to like take away our fear from the whole dating tag. It was quite a roller coaster ride, but it was more of a learning curve, I would rather say, but it's good to experience. We learned a lot of things actually. We didn't go to the forum for this. Hum to sirf aise overall life growth ke liye gaye the aur usme ye bhi cover ho gaya. Isko sikhana bahut difficult hai. Pehle maine kara tha, fir tune kara tha. Haan, fir bhi sikhana mujhe hi pada tha. I mean, he did teach me a lot. He did teach me how to stand up for myself and how to become independent. Isne kafi sikhaya. Nahi nahi, but aisa kuch nahi hai. We both learned from each other. Like, let's not give that impression. But aisa impression agar aa gaya to rehne do, koi baat nahi. I think then we agreed to date and then we first told everyone else, but we didn't go up to our parents. वो लोग तो पहले मेरे parents तो मुझे डेढ़ साल से पूछ रहे थे कि है ना तेरा कुमार का है ना. Yeah, like both of our families were pretty confident, I think, कि हमें पता है ऑलरेडी, तुमको बताना चाहे तुम बता देना. ऐसा सिचुएशन था. सो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल थिंग नाउ. आई थिंक जो भी डिस्कशन हुआ फैमिली का जो भी है, इट वॉज वेरी नॉर्मल. मतलब तो फोरम के बाद वी ओवरकेम आवर फियर ऑफ डेटिंग लाइक टैगिंग. सो वी अग्रीड टू सी, एक्चुअली वी डिडंट हैव फियर, बट वी हैड अ फियर कि इससे हमारे लाइफ के दूसरे एक्टिविटीज है वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए. सो वी वर कीपिंग अ बैलेंस ऑफ थिंग्स. सो वी वर जस्ट अफ्रेड कि ये बैलेंस तो नहीं बिगड़ जाएगा, वो फियर था. सो देन वी अग्री टू डेट एंड देन वी वर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फॉर, वी स्टिल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट आई थिंक दिस हैपेंड व्हेन 2017 और 2018 द फोरम थिंग. हां, आई थिंक 2017 आई थिंक 2017 मोस्टली. सो 18 19 20 3 4 इयर्स बैक. 4 इयर्स, 3 टू 4 इयर्स. बट देन टेक्निकली आप 12th एंड 13th स्टार्टिंग से बोल सकते हो कि वी न्यू दैट वी बोथ आर फीलिंग्स फॉर ईच अदर एंड वी वांट टू कंटिन्यू ऑन इट. सो बेसिकली वी नेवर केप्ट रिकॉर्ड ऑफ टाइमलाइन और समथिंग लाइक दैट बिकॉज़ वी आर नेवर इनटू दैट थिंग कि कुछ एनिवर्सरी हो जाए या ये हो जाए वो हो जाए. एनिवर्सरी छोड़ो, वी वर नेवर इनटू प्रपोजल्स एंड ऑल आल्सो. लाइक वी नो वन प्रपोज टू ईच अदर ना, वी बोथ लाइक वी लाइक ईच अदर सिंपल. सो देयर इज, सो बेसिकली इट वाज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप एंड लेस ऑफ अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप व्हिच इज स्टिल गोइंग ऑन एंड दैट्स द रीजन आई एम एबल टू सरवाइव. यार ये हर बार ऐसे करता है. तेरा वाला कैच फ्रेज बताओ, ये क्या बोलता है? सबकी आती नहीं कुमार की जाती नहीं. हम लोग एक दूसरे के घर पे बहुत रहते हैं. वी डोंट इवन रिमेंबर द डेट ऑफ दैट डे व्हेन वी टोल्ड ईच अदर, वी लाइक डेट वेट. सो इफ यू आर आस्किंग अस कि कौन से डेट पे क्या हुआ था, कौन से टाइमलाइन पे क्या था, कुछ टाइमलाइन नहीं है. मोटा मोटा या वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच वी आर ओपन टू शेयरिंग. टाइमलाइन पूछ रहे हो तो आई एम सो सॉरी, आई डोंट रिमेंबर इट, आई डोंट नो अबाउट हर. बट आई थिंक वी वर 17 व्हेन वी फ्रेंडशिप स्टार्टेड. नो, व्हेन वी टोल्ड ईच अदर वी लाइक ईच अदर. ओके, इट माइट बी पॉसिबल, बट आई वुड रादर से कि लेट्स कंसीडर 18 या 19 से स्टार्टिंग फेज था. 18 तो वी अग्री टू डेट. आई तो 18 से यू कैन कंसीडर इट. आई थिंक 18 से भी अगर पकड़े, यू आर 23 नाउ, तो 5 साल से, बिकॉज़ आई नो यू विल बी वंडरिंग के क्या है, तो 5 साल से तो यू होल्ड इट एटलीस्ट 5. या आई वाज 17. हां, यू वर 18, आई वाज 17. इट वाज अगेन बिटवीन जून, जनवरी एंड जून. सो करेक्ट, या बिकॉज़ वी यूज्ड टू गो फॉर कार ड्राइव्स एंड ऑल. सो या तो यू वर 18. करेक्ट. या देयर सो मेनी मोर इंसिडेंट्स. द कार ड्राइवर आई पॉइंटेड आउट हाउ वी टोल्ड आवर फैमिलीज इज गोइंग टू बी वेरी फन स्टोरी टाइम, बट आई रियली वांटेड यू टू मीट हिम as soon as possible because you've been also showing how much love you want to give him also and need him. So here is Kumar for you. Did you have fun? Yeah, I will have to check after the video when the video has been ready. But vlogging is do, it's fun sometimes, but I don't think so I can be a full time vlogger like her. But sometimes it's do fun. I think everyone should do it thoda thoda. It's memories. Yeah, it's good for memories perspective as well, and you know, you also come to know the real picture ki how you are actually as a person, because when you have a video of it you can actually compare ki acha main ek saal pehle aisa tha, ab ek saal baad aisa, pehle main aisa baat karta tha, ab main aisa baat karta. You know, there's a lot of things which we, which we can Instagram is still fine. Thank you so much for watching this till the end. If you enjoyed watching this, then give it a thumbs up and subscribe to our channel for future like story times and just videos with him. But if you did not enjoy watching this video, bindas, give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon and a few more with him as well. Until then, goodbye. Chalo hai na mic?